तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती है। फर्स्ट फर्स्ट कौन सा था? ऑक्सीटोसिन, और सेकंड था एडीएच। ठीक है, तो एडीएच क्या होता है? एंटी डायबिटिक हॉर्मोन। उसके बाद हमने बात की थी थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो रह गए थे, उस पर हमने सिंथेसिस की थी कैसे, मतलब एक तरह से पॉइंट में देखा था कि सिंथेसिस कैसे होती है टी थ्री एंड टी फोर की। ठीक है, उसके बाद हमने देखने हैं, देखो यहाँ पे देखो ये थायरॉयड ग्लैंड था। ठीक है, अब थायरॉयड ग्लैंड को अगर मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वे में आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है थायरॉयड ग्लैंड का। ठीक है, देखो इसमें जो बड़े बड़े सेल जो हैं इसके, ठीक है, देखो यहाँ पे ये फॉलिकल फिल विद कोलोइड। ठीक है, देखो मेन क्या यहाँ पे जो सी सेल है वो, उसके बारे में बात करेंगे आज। सी सेल यानी पैरा फॉलिकुलर सेल। ठीक है, अब जो ये सी सेल है, ये छोटे वाली क्या करते हैं, ये कैल्सिटोनिन बनाते हैं। ठीक है, थीके? तो इन सेल्स के अंदर जो ये ब्लू कलर के सेल आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रखे हैं, तो यहाँ पे ये कैल्सिटोनिन बनाएंगे। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा इसका लार्ज वे था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो कैल्सिटोनिन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, देन इसका मैकेनिज्म क्या होता है। सो द हॉर्मोन प्रोड्यूस द पैरा फॉलिकुलर सेल्स। देखा था हमने पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती है ब्लू कलर की। ठीक है, वो ब्लू कलर की नहीं, ऐसे पिक्चर में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ था। ठीक है, तो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो कैसेटोनिन रिलीज करती हैं या बोल सकते प्रोड्यूस करती हैं, और से इट इज की शॉर्ट फॉर्म है कैसेटोनिन की। ठीक है, सो कैसेटोनिन कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। देखो उसका मेन रोल क्या है, जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल होता है उसको डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन यही है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसको डिक्रीज कौन करता है? कैल्सिटोनिन। ठीक है, बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। देखो एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट, एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट, इन दोनों में क्या फंक्शन होता है? देखो ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? द सेल दैट ब्रेक डाउन द बोन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यानी देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, ये कुछ इस तरह की बोन है। देखो अब बोन में दो तरह की वो हो सकते हैं। देखो एक हमने क्या किया था, एक हमने दिखाया था ओस्टियो क्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। देखो ओस्टियोक्लास्ट क्या समझ आ रहा है कि ओस्टियोक्लास्ट मींस एक तरह से समझो कि कट कट करना, यानी इसमें से कुछ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी जो कैल्शियम जो है ओस्टियोक्लास्ट की कंडीशन में क्या होगा, कैल्शियम बोन से जाएगा। ठीक है, कैल्शियम बोन से बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन ओस्टियोब्लास्ट यानी बनना टाइप, ऐसे कुछ देखो उसको कि जो ब्लास्ट है इससे बनना, किसी चीज़ का बिल्डअप होना। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कैल्शियम को, कैल्शियम जो है बोन के अंदर जाएगा। ठीक है, यानी अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब कैल्शियम बोन के अंदर जाएगा तो हड्डियाँ क्या होती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, अगर कैल्शियम बाहर आ रहा है तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी जो बोन है वीकनेस आ जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक मेंटेन जो फंक्शन होता है पूरा, एक तरह से मेंटेनेंस फंक्शन चलता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, ना ज़्यादा कैल्शियम अंदर होता है ना कैल्शियम ज़्यादा बाहर होता है बॉडी। ठीक है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, कैसेटोनिन और पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन होता है जो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हमने बात की थी कैसेटोनिन की, सीटी यानी कैसेटोनिन, ये कहाँ पे होता है? थायरॉयड सेल्स में हमने देखा था, थायरॉयड सेल्स जो होते हैं, सॉरी थायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो सी सेल होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, कैसेटोनिन बनाते हैं। अब कैसेटोनिन क्या करता है, ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड है, ठीक है, इसके अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको डिक्रीज कर देता है। क्योंकि अगर जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो कैल्शियम को बोन को वापस दे देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्ट की कंडीशन है वो परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो जो कैसेटोनिन है, कैसेटोनिन इस जो ऑस्टियोब्लास्ट है इस कंडीशन को परफॉर्म कराएगा। ठीक है, यानी जो कैल्शियम है, अगर जो कैल्शियम हमारी ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे इस कैल्शियम को कम करेगा। ठीक है, और कैल्शियम को कहाँ भेजेगा, बोन के अंदर स्टोर करा देगा, तो यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट कराएगा। ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, कौन करता है ऑस्टियोक्लास्ट को डिक्रीज, कैल्सिटोनिन। समझ आया? देखो एक बार मैं थोड़ा दोबारा आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने देखा एक बोन है, ठीक है, और यहाँ पे
अब फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अब हम बॉडी के अंदर क्या हुआ कि जो बोन है, बोन के अंदर क्या होता है, एक तो काफ़ी सारा कैल्शियम होता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ब्लड है, हमारी ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। देखो पूरा कम नहीं कर, मतलब ख़त्म नहीं करते कैल्शियम को, पूरा मेंटेन करते हैं, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे मेंटेन होगा कैल्शियम का लेवल, लेकिन उसको थोड़ा कम कौन करेगा, डिक्रीज कौन करेगा, यहाँ पे एक हमने बात की थी सीटी, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, जो सी सेल प्रोड्यूस करते हैं पैरा फॉलिकुलर के थ्रू ये बनते हैं, ठीक है। तो सीटी जो यानी कैल्सिटोनिन है, ये क्या करता है, कैल्शियम को यहाँ पे डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, एक होती है ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट में जो कैल्शियम है, कैल्शियम को दोबारा इस बोन के अंदर दोबारा स्टोर करा देते हैं, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पे कैल्शियम का लेवल कम हो गया, यानी कैल्शियम कहाँ गया, बोन के अंदर गया। इस कंडीशन क्या बोलते हैं, जब कैल्शियम बोन के अंदर जाता है, स्टोर हो जाता है, तो हम उसको ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट की जो कंडीशन है वो परफॉर्म करवाएगा, कौन कराएगा, कैल्सिटोनिन। और इस कंडीशन को जो ओस्टियोक्लास्ट है, इस जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको डिक्रीज करा देगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप अभी समझ आ गए होगा आपको। नेक्स्ट है द सेक्रेशन ऑफ सीटी यानी कैसेटोनिन इज कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल होता है, ठीक है। व्हेन कैल्शियम ब्लड लेवल इज हाई, कैसेटोनिन लोअर्स द अमाउंट ऑफ ब्लड कैल्शियम एंड फोस्फेट बाय इनिबिटिंग बोन रिअब्सॉर्प्शन बाय द ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पे जो ऑस्टियोक्लास्टिक कंडीशन होती है उसको देन एक्सलेटिंग अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इंटू द बोन, ठीक है। समझ आया, अभी मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता दिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो फोर डॉट्स है, 1, 2, 3, 4, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, राइट इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, एस डीज यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखो ये ग्लैंड आपका दिखाई कैसे दिखा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो जब आप किसी इंसान को फ्रंट से देखोगे ना तो आपको थायरॉयड ग्लैंड नजर आएगा, लेकिन अगर आप किसी इंसान को पीछे से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ये फोर ग्लैंड, ठीक है, ये आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड नजर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो फोर डॉट्स है ना, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ से PTH जो कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है ब्लड के अंदर वो रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन आपने देख ली क्या होती है, ठीक है, ट्रेके के अंदर नेक रीजन में ये लोकेट होता है, बैक साइड से जो दिखाई देता है, ठीक है। सुपीरियर इन्फीरियर क्या होता है, समझ आ गया, ठीक है। एंड दीज आर एम्बेडेड इन अ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड एंड ईच हैज अ मास ऑफ अबाउट 40 mg। अब देखो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है उसको कहते हैं दो तरह की सेल होती है, एक होती है चीफ सेल जिसको प्रिंसिपल सेल या चीफ सेल जो मर्जी बोलो, ठीक है, एक होता है ऑक्सीफिल सेल। अब जो चीफ सेल होते हैं उसका काम क्या होता है, PTH बनाना यानी पैराथायरॉयड हार्मोन बनाना, और उसका काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस यानी किसी चीज़ को खाना, ठीक है, सेल्स को खाना, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ मेजर रेगुलेटर ऑफ द लेवल ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, फॉस्फेट आयंस को ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द नंबर एंड एक्टिवेशन ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट। देखो ओस्टियोक्लास्ट कंडीशन क्या थी, जिसके अंदर कैल्शियम को बाहर आना पड़ता है, बोन से कैल्शियम को बाहर जब आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। क्योंकि PTH क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट की कंडीशन को ये परफॉर्म कराएगा, ठीक है। अब देखो जो PTH होता है ना वो मल्टीपल साइट पर क्या करता है, बॉडी पे एक्ट करता है। देखो पहले तो होता है किडनी, किडनी पे एक्ट क्यों करेगा, क्योंकि किडनी के अंदर जो कैल्शियम, किडनी में से जो कैल्शियम रिमूव होता है यूरिन के थ्रू, तो उसको भी वहाँ से रिअब्जॉर्ब करा लेगा, क्योंकि PTH का मेन फंक्शन क्या है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में फॉर एग्जाम्पल किसी ने मिल्क पिया, अब मिल्क के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, अब उस कैल्शियम को रिअब्जॉर्ब कौन कराएगा, PTH कराएगा, ठीक है। और तीसरा जो फंक्शन होता है बोन के ऊपर, अभी हमने देखा था बोन के अंदर क्या कराता है, ओस्टियोक्लास्ट परफॉर्म कराता है, ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म कराएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम बाहर आएगा बोन से, ठीक है, और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन मेजर जो साइट हैं जहाँ पे PTH एक्ट करता है, फर्स्ट क्या है, बोन है, ठीक है, सेकेंड किडनी और इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे
इसका अपने प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, थोड़े थियोरटिकल वे में देख लेते हैं। तो पीटीएच ऑल्सो एक्ट ऑन किडनी, ठीक है, किडनी में से कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन कराएगा। इट स्लोज द रेट ऑफ रेट एट विच कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड इन टू द यूरिन, यानी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो यूरिन के अंदर लॉस हो रहा था उसको रोक देगा, ठीक है, और जो फॉस्फेट का लॉस है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज ब्लड फॉस्फेट लेवल एंड ऑल्सो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल, ठीक है, वही है यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ था ना, सेम वही है, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर इफेक्ट ऑफ पीटीएच ऑन किडनी, इट इज प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ द हॉर्मोन कैल्सिट्रायोल। देखो कैल्सिट्रायोल एक तरह से वाइटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसके भी अपनी एक प्रोसेस होती है कैसे एक्टिव हो जाता है। और जो ये देखो आपने पढ़ा है जो सन होता है, जब सनलाइट में आप खड़े होते हो तो यूवी रेज क्या करती है, स्किन पे पड़ेंगी, तो यहाँ पे विटामिन डी, आप बोलते हैं विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, तो वो कैसे एक तरह से होता है फंक्शन उसका, जब फंक्शन यहाँ पे देखेंगे कैसे फंक्शन करता है कि विटामिन डी कैसे मिलता है आपको, तो यहाँ पे हम देखेंगे ठीक है कैसे होता है वो प्रोसेस। अब देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा हुआ जो पीटीएच है वो किडनी के पास जाकर एक तरह से एक हॉर्मोन को प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन जिसका नाम है कैल्सिट्रायोल। अब ये कैल्सिट्रायोल क्या होती है, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है, जिसका एक केमिकली नेम है 125 डाई हाइड्रोक्सी वाइटामिन D3, इसका वैसे ही नेम है जैसे सेकेंड नेम आप बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है, यानी कैल्सिट्रायोल का ये नाम होता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। आप देखो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है कैल्सिट्रायोल का, कैल्सिट्रायोल याद रखना, देखो कैल्सिट्रायोल का मतलब क्या है कि वाइटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब जो कैल्सिट्रायोल है अब ये करता क्या है, ये GIT के अंदर से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसके अंदर से रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ठीक है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT इनटू द ब्लड, ठीक है। अभी पूरी प्रोसेस होती है कैसे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने ये लेयर बनाई हुई है एक तरह से क्या बोल सकते हैं, स्किन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की स्किन है आपकी। अब देखो स्किन के अंदर क्या होता है, 7-D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, 7-D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो आपको समझ आएगा, आपने ये भी सुना होगा कि विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को भी रेगुलेट करता है, अगर कैल्शियम बॉडी में कम है तो कैल्शियम भी बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है वो प्रोसेस भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब आप धूप में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल धूप में आपको मिली यूवी लाइट, ठीक है, तो यूवी लाइट जब आपने ली, ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर पड़ी, तो यहाँ पे जो 7-D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल है, ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर। देखो जो कोलीकैल्सिफेरॉल है ये स्किन के अंदर ही होगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बाहर दिखा दी, जगह नहीं थी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये इसके अंदर हो रही है, ठीक है। अब देखो ये तरह से एक तरह से क्या होता है, 7-D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है ये यूवी लाइट जब पड़ती है तो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर, ठीक है। अब ये कोलीकैल्सिफेरॉल क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, अब ये कोलीकैल्सिफेरॉल फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 25-हाइड्रोक्सी वाइटामिन D3 के अंदर, ठीक है, जिसको हम कैल्सिफीडायोल बोल देते हैं, ठीक है। तो कैल्सिफीडायोल क्या होता है, ये 25-हाइड्रोक्सी वाइटामिन D3 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये लीवर के अंदर प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लीवर है, ठीक है। अभी लीवर के अंदर जाएगा तो लीवर के अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, उसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, दोबारा किडनी के अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये किडनी के अंदर जब जाएगा तो किडनी के अंदर दोबारा फिर क्या कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो इस हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन को कौन परफॉर्म कराएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, 25-हाइड्रोक्सी वाइटामिन D3। अब ये क्या होगा, ये जाएगा किडनी के अंदर, अब किडनी के अंदर यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को कौन परफॉर्म कराता है, या बोल सकते हो एक्टिवेट कौन कराता है, पीटीएच करवाएगा। अब देखो पीटीएच का रोल यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये कन्वर्ट होगा, देखो अगर यहाँ पे ये स्टेप होगा तभी ये स्टेप हो पाएगा आगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए पीटीएच चाहिए, तो पीटीएच क्या होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। अब ये हाइड्रोक्सिलेशन से क्या होगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा 125-D हाइड्रोक्सी वाइटामिन D3 के अंदर, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म होती है, ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है वाइटामिन डी थ्री की। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैल्शियम को, जो कैल्शियम जैसे आ रहा है,
ठीक है, जो जीआईटी के अंदर कैल्शियम है जो आपने मतलब खाया, फॉर एग्जांपल मिल्क पिया, तो मिल्क उस मिल्क की कैल्शियम को कौन अब्जॉर्ब कराएगा, यही तो करवाएगा अब्जॉर्ब, ठीक है, यही अब्जॉर्ब कराएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वाइटामिन डी ये जो है ये बना है अभी, तो ये इस जीआईटी की कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा ब्लड के अंदर, सॉरी रीअब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस समझ आया आपको, ठीक है, बहुत ही ईजी से प्रोसेस है। देखो यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये थोड़ा कैमरा जो है ना, कैमरा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा ब्लर ब्लर हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही विजिबल है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इस प्रोसेस को दोबारा एक बार आपको डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्किन है, स्किन के अंदर 7-डीहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रोल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूवी लाइट पड़ी, तो यूवी लाइट ने क्या किया, कोलिक एसिड फ्लोर के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे लीवर के अंदर डिहाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे 25-डीहाइड्रोक्सी वाइटामिन डी 3 बनेगा, जिसको हम कैल्सीफिरोल भी बोल देते हैं, सॉरी कैल्सी फी डायोल भी बोल देते हैं। अभी लीवर के अंदर हो रहा है, अब फर्दर क्या होगा, यही कैल्सीफी डायोल है, ये किडनी के अंदर जाकर डिहाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन दोबारा होगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में होती है, पीटीएच एक्टिवेट कराएगा डिहाइड्रोक्सीलेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे 125, देखो यहाँ पे क्या होता है, 25 पे जाके 25, ठीक है, जाकर वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 और 25 पे जाकर हाइड्रोक्सीलेशन डाइहाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, यानी OH ग्रुप लग जाएगा वाइटामिन डी3 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तरह से एक्टिव फॉर्म बन जाएगी वाइटामिन डी की, ठीक है, और यहाँ से कैल्शियम को अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अब देखो समझ आया कि वाइटामिन डी जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी यहाँ से यही कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया कि कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है, और सॉरी विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अल्टीमेटली अब्जॉर्प्शन तो यही कराएगा ना इसकी, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर एक बार थ्योरी दोबारा देख लेना, वैसे तो जो भी मैंने आपको बताया पीछे वही लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ये लेक्चर थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो हम जो ये सोच रहे हैं कि जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।